ये बच्चे एक्साइटेड है क्योंकि आज मैं बनाने वाली डोनट्स, और यहाँ पर मतलब ये है मैदा। मैं ना हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट। तुम मेरे लिए चॉकलेट ला रही थी, कहाँ चॉकलेट? वो मैंने बीच में मेरी चॉकलेट निकालो। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शानू रावत एंड आज हम जा रहे हैं अपने घर की साइड। तो मैं दिन दहाड़े धूप में खड़ी हो रखी हूँ, यहाँ कर रही हूँ मैं बस का वेट एंड मेरे साथ है रिद्धि। वी आर वेटिंग फॉर बस। वो देख रहे हो बस वहाँ है इतनी दूर, एग्जैक्टली पता भी नहीं कौन सा नंबर है, आएगी तो मिल जब जाएंगे उसमें। सो हमको यहाँ एसी वाली बस मिल गई थी और यहाँ है हमारे लेडीज बस की फ्री टिकट्स जो होती हैं वो, एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सीपी एंड यहाँ पर है सुंदर सा झंडा फ्लैग, इंडियन फ्लैग, एंड यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर की साइड में। हाय कृपा, आपको मेरी याद आ रही थी? दीदी की नहीं आ रही थी ना? नहीं आ रही ना दीदी की? चलो आ जाओ घर में। क्या कर रही हो? चप्पल रखने नहीं आऊ अंदर? हाय गाइस, तो यहाँ मुझसे ज़्यादा ना मेरे घर के बच्चे एक्साइटेड है क्योंकि आज मैं बनाने वाली डोनट्स, और यहाँ पर मतलब ये है मैदा। मैं जस्ट अब ट्राई कर रही हूँ कैसे बनाना है, तो आप रेसिपी देखते जाना, थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊँगी क्योंकि पूरा व्लॉग है ना, तो एग्जैक्टली प्रॉपर नहीं दिखा सकती मैं। क्या बोल रही गाइस मैं? हेलो, देखो दीदी दिख रही है नहीं आप? तो यहाँ पर मैंने डोनट बनाने की स्टार्ट कर दिए, और पता है अकेले अकेले ना हो नहीं पाता है, एक चाहिए बंदा कि जो वीडियो बनाता रहे। तो यहाँ हमने मैदा वैदा ले लिया, और मैदे का मैंने अच्छे से आटा वगैरह लगा दिया था, जो कि मतलब बहुत टाइम लगता है उसका आटे को एकदम नरम करने में, बहुत मतलब हैक्टिक वाला काम है। कम से कम डोनट्स बनाने के लिए आपको 3 से 4 घंटे आराम से चाहिए, वो भी एक साथ नहीं थोड़ा गैप में, तो वेरी टफ वाला काम है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम जो डोनट्स बनाए थे मैंने वो बहुत अच्छे बने थे, मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। इस बार मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं, बट इस बार भी अच्छे बने थे, पर थोड़े से सॉफ्ट नहीं थे जो फर्स्ट टाइम की तरह थे। इस बार थोड़ा लिक्विड वाला जो फॉर्म होता है वो थोड़ा कम पड़ गया था। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इसकी पूरी वीडियो और रेसिपी बताऊँगी कैसे बनाना है। तो इसको रेस्ट में रखने के बाद यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ डोनट की शेप दे रही हूँ, जो कि बहुत अच्छे से आई है। इनकी शेप में देने के बाद इनको थोड़ा 1 घंटे के लिए रेस्ट में रखना पड़ता है जिससे और अच्छे से ये फूल जाए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई 1-2 वीडियो शूट करने के लिए, जो कि मैंने कुछ अपने लिए कपड़े मंगाए थे अजियो से, और ये वाला सूट मंगाया था, मतलब अच्छा था सूट बट बहुत ज़्यादा ही चमकीला वाला फील आ रहा था, इसको पहन कर नहीं जा सकते कहीं पर भी। एंड यहाँ पर है मेरा सेकंड वाला ड्रेस, जो कि मैंने एक बार पहना था, काफ़ी अच्छा था, मज़ा आया उसको पहन के। देन उसके बाद मैं दोबारा से डोनट्स बनाने के लिए इसको पूरा मेल्ट करने लग गई, जो मैंने चॉको चिप्स लिए थे, एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा चॉकलेट को भी मेल्ट किया उसकी टॉपिंग के लिए। एंड यहाँ पर मैं अपने डोनट्स को फ्राई कर रही हूँ, जो कि बनकर बहुत टेस्टी लग रहे थे, एंड एकदम उनका लुक आ रहा था मार्केट जैसा, जैसे मार्केट में होते हैं। देन उसके बाद ना मेरा बर्थडे है कल, तो ना मेरे लिए ना किसी ने बाल मिठाई भी भेजी थी एज अ गिफ्ट, क्योंकि ना मुझे ये चीज़ें पसंद आती है बाल मिठाई, क्योंकि मैं अपने घर में शायद एक मैं ही हूँ जो बहुत मीठा खाती हूँ। तो जस्ट मेरी फ्रेंड ने अपने घर पे लंगर रखवाया था, तो मैं वहाँ गई लंगर खाया, देन उसके बाद आके शाम को मैं रात को आकर मैंने अपने डिटेन फेस पे लगाया। कल बर्थडे था तो सोचा चलो थोड़ा सा बड़े तो हो रहे हैं पर चलो थोड़ी सी फेस की केयर भी कर लेते हैं। देन उसके बाद मैंने ये लगाया, मैंने ये मंगाया था
T&W का, एंड इसका ना मैं पूरा रिव्यू वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने वहाँ से 5-7 प्रोडक्ट मंगाया, देन वो सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं मेरे पास, एंड उसका मैं रिव्यू वीडियो देने वाली हूँ। देन शाम को यहाँ पर ना रेशमा ने मेरे लिए बर्थडे से पहले ही बर्थडे ईव में ही गिफ्ट दे दिया। देन यहाँ है सुबह सुबह की मॉर्निंग, एंड यहाँ पर मैंने जो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करी कप ऑफ कोकोनट वाटर से, देन उसके बाद मेरा आज दिन काफ़ी बिजी शेड्यूल था, मंदिर वंदिर जाना था मुझे, और आज संडे भी था ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर पा रही थी, अदरवाइज मैं नहीं कर पाती हूँ। तो पहले मैं आई शिव मंदिर, देन उसके बाद हम गए इस्कॉन टेम्पल। गाइस तो यहाँ पर मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो हम मंदिर नहीं जा रहे। सामने देखो लोटस टेम्पल है, और उधर की साइड से एक रास्ता है। Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ये सारा अरेंजमेंट रेशमा ने किया था। सबसे बड़ी चीज़ इस्कॉन टेम्पल में एक बिना लहसुन प्याज का एक रेस्टोरेंट है, जहाँ आपको बिना लहसुन प्याज वाला खाना मिलता है, बहुत टेस्टी होता है। देन उसके शाम को मैं थोड़ा पार्क, एंड यहाँ फादर्स डे भी था, तो फादर्स डे का पूरा केक हमारा मेल्ट हो गया। मुझे गिफ्ट चाहिए। मैंने तो तुमको गिफ्ट दिया था, मेरा गिफ्ट का है? कौन सा गिफ्ट? हैप्पी बर्थडे वाला गिफ्ट। तुम मेरे लिए चॉकलेट ला रही थी, कहाँ है चॉकलेट? चॉकलेट वो मैंने बीच में है। मेरी चॉकलेट निकालो। तुम बहुत गंदी कर दी कट्टा। कौन पढ़ाते आप? मैं अपने आप पढ़ लेती हूँ। लेते हम नाना को सुना दो जरा। दो दोस्त थे। नहीं जनगण मन सुना, नाना को सुना दो बेटा। देन यहाँ पे हमारा रात का डिनर जो कि मैंने ही बनाया था 80%, एंड यहाँ पर मेरी बहनें जा रही थी, तो मैंने रिटर्न गिफ्ट में उनको ये लिपस्टिक दी, लव अर्थ की, बहुत अच्छी लिपस्टिक। गार की दे दो ना प्लीज। छिपकली नहीं है वो, बिल्ली है। छिपली गार की, मुझे तो अभी चाहिए चॉकलेट। बाबू गागू बाय बाय। ये था मेरा बर्थडे का व्लॉग, एंड अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स टू रेशमा जिसने पूरे दिन को बहुत बेस्ट बनाया, एंड सच में ये पहले के बर्थडे में से सबसे बेस्ट वाला बर्थडे था मेरा। थैंक यू सो मच।